अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे व्लॉग। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है सारे ठीक होंगे। तो दोस्तों दो तीन दिन हमारा जो है ना वीडियो हम नहीं डाल सके क्योंकि हमारा जो चैनल था वो बाय मिस्टेकली डिलीट हो गया था यूट्यूब की तरफ से। तो फिर हमने उनको अपील करके तो अपनी सारा कुछ बताया कि हमने कुछ वायलेशन वगैरह वगैरह नहीं की और ना ही हमने इस तरह का मतलब कोई कंटेंट बनाया है कि जिसकी वजह से हमारा जो चैनल है वो डिलीट हो सके या इनकी जो कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हमने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था। और अब हमारा जो चैनल है वो अब दोबारा रिकवर हो चुका है क्योंकि हमने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन उसके ख़िलाफ़ नहीं गए थे, इसलिए हमारा चैनल जो है ना वो यूट्यूब वालों ने दोबारा रिकवर कर दिया। और इसका बस एक इशू हमें लग रहा है वो क्योंकि इसका जो नाम है ना, हमारे जब पुराना चैनल डिलीट हुआ था उसका नाम भी अरमानी असील था और इसका नाम भी हमने अरमानी सील रखा है, तो इसलिए हम ना चाहते हैं कि हमें मोनेटाइजेशन में कोई इशू ना आए, तो इसलिए हम इसका जो नाम है ना वो चेंज करने लगे हैं। और आज से इसका नाम हम इंशाल्लाह ताला नाम इसका जो है वो रखेंगे हीरा असील पेट्स, ठीक है। तो ये इसका नया नाम होगा, इसका जो हम लोगो है वो भी इंशाल्लाह आज चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो मोनेटाइजेशन में फिर कोई मसला मसाइल नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है ना वो भी मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसमें हम पेट्स वगैरह भी दिखाएंगे आपको, असील हीरा असील के मतलब ज़्यादा बताएंगे क्योंकि हमने जो हीरा असील है ना वही ज़्यादा रखे हुए हैं, तो इसलिए हम जो है ना वो ज़्यादा असील के मतलब ही बताएँगे क्योंकि हमें ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत हमें असील के असील का पता है इसलिए। बाकी जो है हमने जो पेट्स रखे हुए हैं वो उसका भी आपको शौक करवाएंगे और रोज़ाना की उनकी जो रूटीन है वो भी बताते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज जो है ना दोस्तों, आज हम ना हमारी एक मादी है वो अंडों पे बैठी हुई है, तो मैं चाह रहा था कि आज हम उसको अंडों पे बिठा देते हैं क्योंकि अंडे हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 12-13 अंडे जो है ना वो जमा हो चुके हैं, तो उसको भी आज अंडों पे बिठा देते हैं। तो सबसे पहले तो इनका शौक़ वगैरह करें, अपने सारे पेट्स का शौक़ करें। हमने जितने भी पेट्स रखे हैं मैंने ज़्यादातर कलर जो है ना उनका वाइट ही है, तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो भी पेट लेके आऊँ उसका वाइट कलर हो क्योंकि मुझे वाइट कलर से ना वैसे बड़ा लगाव है, तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास पेट्स हों वो वाइट कलर में हों। तो दोस्तों अभी अजान शुरू होने लगी है तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए मोबाइल ऑफ़ कर देता हूँ, मतलब ये जो वीडियो है ऑफ़ कर देता हूँ, तो उसके बाद में बनाते हैं, ठीक है। ये इनकी शरारतें वगैरह देखें आप, तो मैं अभी दोबारा आता हूँ। और दोस्तों जिस मुर्गे को हमने इंजेक्शन उस दिन लगाया था पिछली वीडियो में वो माशाल्लाह रिकवर हो चुका है और आपने अंदर शुरू में देखा ही होगा, बातों में मुझे वो दिखाना याद ही नहीं रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको आप हम सही तरह बाहर निकाल के तो आपको उसका शौक करवाएँगे और दिखाएँगे भी। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, जो फ्रिज में हमने अंडे रखे हुए हैं इनके लिए दर्जन अंडे हैं, तकरीबन 12 अंडे हैं, तो मैं नीचे से अब ले आया हूँ। तो अब हम जाएंगे जो इनका मेन केज है वहाँ पे जाएंगे और जाके पहले इधर देख लेते हैं कोई छोटे चूजे तो नहीं इधर आए हुए, नहीं आए हुए, तो अब इधर चलते हैं बड़े कमरे में और अब हम जो है ना मुर्गी को उठा के देखते हैं कि उसने कोई अंडा वगैरह को नीचे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। तो अभी इसको उठा के देखते हैं, मुझे लग रहा है ये अंडों पे बैठी हुई है, कोई ना कोई अंडा इसके नीचे ज़रूर पड़ा हुआ है। ये देखें 3 अंडे पड़े हुए हैं, तो अब मैं ये 3 अंडे उठा के ना तो उसके ट्रे के अंदर रख लेता हूँ, फिर मुर्गी को हम साइड पे करेंगे, ठीक है। मुर्गी को साइड करने के बाद जो जितने भी अंडे हैं ना ये वाले ये सारे उठा के ना तो उधर रख देंगे। ये तकरीबन 12 अंडे हैं, ठीक है, और 3 जो मुर्गी के नीचे हैं और टोटल दोस्तों हमारे पास हो गए अब 15 अंडे, ठीक है। तो अब 15 अंडे जो है ना इधर हमने थोड़ी सी तुरी शुरी डाल दिया ताकि जो है ना अंडे जो है ना वो टूट ना जाएं मुर्गी के वज़न से, तो नीचे तुरी डाल दिया और अब हम इधर जो है ना पूरे 15 अंडे रखेंगे और इन मुझे उम्मीद है कि मुर्गी जो है ना वो कवर कर लेगी क्योंकि जिस तरह का ये एरिया सा बना हुआ है ना, जिस तरह का ये मतलब उसका खुड्डा बना हुआ है बैठने वाला, तो ये ना अंडे जो है ना 15 पूरे रिकवर कर लेगी। तो ये दोस्तों माशाल्लाह से पूरे 15 अंडे हमने रख दिए हैं और अब जो है ना हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो अभी मुर्गी आएगी और वो इसके ऊपर बैठ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो और व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ और एक नए चैनल नेम के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।